नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका ही चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे इस कॉलोनी पे जो मटकी में अचानक जो चिक्स एक्सपायर हो जाते हैं इसके बारे में। दोस्तों हम लोग सोचते हैं कि वो मादी अच्छा नहीं है, अच्छी तरह से फिट नहीं करते, इसलिए चिक्स मर जाते हैं अचानक। ठीक है दोस्तों, तो अचानक चिक्स मरने का कारण ये हो सकता है दोस्तों, जो अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे इस मटकी में जो चिक्स का जो मादी जो इसको फिट कराता है, फिट करने के बाद जो मुख में कुछ कुछ रह जाता है, तो इसका भी उसको अभी सूख जाता है, सूखने के बाद वो मुख बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अचानक क्या होता है, जो चिक्स के जो मुख बंद हो जाते हैं, तो उसका मुख और नाक और मुख दोनों ही बंद हो जाता है, तो इसके लिए दोस्तों बहुत सारा चिक्स मर जाते हैं। हम लोग सोचते हैं उसका मादे अच्छा नहीं है, बात यही नहीं है दोस्तों, तो हमको पूरी तरह से इसको चेक करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने रोज इस कॉलोनी में आके उसको चेक करता हूँ, और इसके बाद इसको जो मुख में जो बंद हो जाता है तो उसको मैं रोज़ सफाई करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम इस मटकी से जो चिक्स मादी को बाहर कर दिया, तो अभी यहाँ से पूरी चिक्स को मैं नीचे लाऊँगा, उसके बाद इसका जो मुँह और नाक बंद हो चुके हैं इसको मैं अभी सफाई करके उसके बाद उसके अंदर मैं दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक वजह है जो जिसके कारण हमारे इधर इस कॉलोनी में चिक्स अचानक डेड हो जाता है, तो इसीलिए हमको पूरी तरह से ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए ये होता है दोस्तों। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मैं इस चिक्स को नीचे निकल रहा हूँ, उसके बाद इसका मुँह अभी सफाई कर देंगे, उसके बाद वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों होता है क्या है, ये रोज देखना पड़ता है, हर मटकी में ये ऐसा होता नहीं है, जिस मटकी में होता है उस मटकी को आप रोज चेक करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हमारे इस पे तो बहुत मटकी है, अभी जितने भी हमारी कॉलोनी पर जितना मटकी है सब में चिक्स ठीक है, लेकिन इसी मटकी में जो चिक्स रोज इसको सफाई करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं इसका सफाई कर देंगे, तो आप देख सकते हैं हम इस चिक्स को नीचे निकाल दिया है, अभी ऐसे साफ करके उसके बाद मैं दोबारा मटकी में डाल दूंगा, तो अभी इसका जो मादी इसको फिट करा सकता है। अभी देखिए इस तरह से जो मुख पूरी तरह से बंद हो चुकी है, तो अभी मादी फिट नहीं करा सकता है, तो इसके लिए नाक और मुख बंद होने के कारण बहुत सारा चिक्स हमारे हो जाते हैं। हम इसके ठोर साफ करना, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि उनका मुंह बंद हो गया, वो एक्सपायर हो जाता है। अरे कौन बचा, अब हमारे पास आया, तो इसलिए मैं अभी रोज चेक करता हूँ, चला जा बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मैंने सोचा कि इसका वीडियो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, तो दोस्तों आपका भी कुछ काम आ जाएगा, अब हम इसको खिलाएंगे कैसे, और घर पे नहीं सीधी से खाना पड़ेगा, जो नया नया पाव में तो क्या है तो पता नहीं चलता है कि इसके लिए चिक्स मर जाते हैं, और घर में जो वजह से मर जाते हैं। सफाई कर रहा हूँ, तो दोस्तों मैंने सोचा कि वीडियो बना के देने से आप लोगों को कुछ फायदा होगा, जो नया ब्लेडर है ब्लेडर है उसके लिए उसको भी फायदा हो सकता है। तो दोस्तों इसीलिए हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करना, और हमारे चैनल पे आप नया आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो एक बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों जब भी मैं नया वीडियो लाऊंगा तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर मोबाइल पर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अभी देख सकते हैं आप लोग पूरी तरह से मैंने इसको सफाई कर रहा हूँ, धीरे धीरे इसको सफाई करना पड़ता है, नहीं तो आप लोग इसका प्रोटीन नाक इसका जो ठोट होता है उसको बहुत नाजुक होता है दोस्तों, तो इसलिए धीरे धीरे करना पड़ता है, नहीं तो नाक आकार आ जाएगा। आप लोग देखिए इसको धीरे धीरे अभी सफाई करना है, तो ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो इसके लिए गर्म पानी करके अभी कर सकते हैं आप लोग, इससे फायदा मिलता है आपको, तो गर्म पानी नहीं मिलता तो इसे हो जाएगा दोस्तों, जो ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो उसके गर्म पानी का जरूरत पड़ जाता है कभी कभी दोस्तों, तो आप रोज़ सफाई कर देंगे तो उसका भी जरूरत नहीं पड़ता है, तो कभी कभी कर देंगे उसके लिए आपको गर्म पानी का जरूरत पड़ सकता है दोस्तों। हाँ, इसके पेट में तो थोड़ा थोड़ा खाना है, तो आप लोग देख सकते हैं इसके बारे इसका क्या हालत हुआ है, चारों के चारों चिक्स से लग जाता है इसके, तो पूरा सुनसान के धुनसान रात में आके इसको मैं इसको सफाई करता हूँ। हमारा पहला बच्चा, ये लास्ट बच्चा जो हमारे एकदम सारे के लास्ट हुआ था, वो थोड़ा बड़ा हो गया है, अभी धीरे धीरे सफाई हो रहा है दोस्तों, जितने टाइम लगेगा आप धीरे धीरे कर लेना, कोई बात नहीं, आपको कोई मसला नहीं होगा, आपको धीरे धीरे सफाई करना है,
धीरे धीरे सफाई कर दीजिए, कोई बात नहीं। इसका अब धीरे धीरे सफाई करने के बाद उसको दोबारा मटकी में डाल दीजिए, वो आप उसके बाद मारीनेट कर देगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग सोचते हैं कि मादी अच्छा नहीं है, मादी के कारण एक्सपायर हो जाते हैं, लेकिन बात यही नहीं है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे इधर जो इसको पूरी तरह से सफाई हो चुकी है, अभी मैं इसको मटकी में डाल देंगे। एक टुपा है, जब हम धीरे धीरे एक एक करके बच्चे को दे डालना दिया चाहिए दोस्तों। धीरे धीरे देना चाहिए दोस्तों। अभी मैंने इसको सफाई कर दिया, अभी मैं मादी ने आके उसका फिट कर देंगे, कोई बात मसला नहीं होगा। तो दोस्तों इसके बारे में रोज इसको चेक करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, अभी हो जाएगा, है ना। हाँ। तो दोस्तों हम वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक लाइक जरूर करना। ठीक है दोस्तों, और क्या बाकी है।